हेलो, नमस्ते बच्चों। कैसे हो इस लॉकडाउन में? बच्चों, आपकी कक्षा, आपके घर में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है घर में अच्छे से हो गए, स्वस्थ हो गए। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है हम लोग जो सीखना चाहते हैं, जो सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से दोहराएंगे। आज है बड़ी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी ए की मात्रा। अ आ ए ई जो चौथा है ना, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पूछे मात्रा क्या होती है? तो हम लोगों ने जो स्वर पढ़ा है, स्वर सीखा है, अ आ ए ई ये वाला, इस स्वर को उच्चारण करने में, बोलने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस स्वर की मात्रा। ठीक है, और ये लगेगा कहाँ? स्वर की मात्रा क्या स्वर में ही लगेगा? नहीं, वो कहाँ लगता है? तो व्यंजन में लगता है, या तो पीछे, या तो आगे, या तो ऊपर, या फिर नीचे। तो हम लोगों ने आ की मात्रा सीख लिया, छोटी ए की मात्रा सीखा, आज बड़ी की मात्रा सीख लिया। बड़ी की मात्रा कैसे होती है? बच्चों, तुमने देखा होगा हमारे मुस्लिम भाई लोग जब मस्जिद में अपनी पूजा करते हैं तो किस तरह पूजा करते हैं? इस तरह पूजा करते हैं, ठीक है, इस तरह पूजा करते हैं। तो ठीक ऐसे ही आकृति यहाँ भी है, देखो ऐसे है और ऐसे, इसी तरह की आकृति यहाँ भी है। बच्चों, तुमने हमारे आदिवासी भाइयों को देखा होगा, लोगों को देखा होगा, वो लोग जब अभिवादन करते हैं, मतलब वो लोग जो नमस्कार वगैरह करते हैं, तो एक आदमी नीचे झुक करके उसको प्रणाम करता है, तो दूसरा जो सामने जिसको करता है वो कैसे करता है? ऐसे करता है। ठीक ऐसे ही आकृति यहाँ है। और बच्चों, इस तरह हम लोग कहाँ देखते हैं इस तरह की आकृति? ये जो बड़ी की मात्रा होती है, इस तरह की आकृति हम लोग देखते हैं जब कोई पंडित जी, ठीक है, जब कोई पंडित जी स्नान करते हैं, या फिर मान लो उनको खुद पर गंगा जल छिड़कना, ठीक है, तो हम लोग भी नहाने के बाद ऐसे करते हैं, पानी लेते हैं जिसको जल बोलते हैं, और उसको ऐसे ऐसे छिड़कते हैं। तो कैसे करते हैं? जल ले करके ऐसे ऐसे छिड़कते हैं। तो इसी तरह की इधर ऐसे ही आकृति यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। ठीक इसी तरह जब कोई हीरो, फिल्मों में हीरो होते हैं ना, फिल्मों में हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, तो फिल्मों में कोई हीरो जब अपना कैप, मतलब अपनी जब टोपी पहनता है, तो वो किस तरह से पहनता है? स्टाइल से पहनेगा। किस तरह? टोपी लिया, ऐसे करके टोपी लिया और ऐसे करके पहनता है। तो ठीक वही स्टाइल वाली आकृति यहाँ पे होती है, बड़ी ए की मात्रा वाली, है ना। और उसको कैसे लिखते हैं? कोई भी अक्षर है, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? क, ठीक है, क लिख दिया। तो इसके आगे मात्रा कैसे लगेगी? ये एक ऐसे लाठी जैसी होती है और इसके ऊपर में ऐसे टोपी जैसी होती है, ठीक है। तो इस तरह की आकृति जो है इसको बोलते हैं बड़ी की मात्रा। और इसका उच्चारण कैसे होगा? इसमें जो आवाज, जो ध्वनि निकलती है वो निकलेगी ई, थोड़ा जोर से, थोड़ा दम दे करके, ठीक ना। तो बड़ी ई की मात्रा लगा करके कुछ शब्द हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, उसको चलो उच्चारण करो मेरे साथ, ठीक है। चीनी कैसी होती है? मीठी, मीठी चीनी, मीठी चीनी। और क्या होती है मीठी? मीठी खीर, मीठी खीर, है ना। सीधी सीढ़ी, सीढ़ी सीधी। नीची टीवी, नीची टीवी, नीची टीवी, ओके। आगे है दीदी,
सीखी, दीदी सीखी, तीखी जीभ, जो जीभ है ना वो तीखी जीभ। फिर है बीस तीस, यदि हम बोले बीस तुरंत बोले बीस तो इसमें पीछे से लगेगा, यदि बोलते हैं बीस तो क्या हो जाएगा दीर्घ ही हो जाएगा, ऐसे आगे वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो बीस तीस नीली, क्या है ये नीली, शीशी, जो शीशी होती है जिसमें दवा वगैरह हम लोग रखते हैं, कभी पानी भी रखते हैं, उसको शीशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शीशी। तो नीली शीशी, तो बड़ी की मात्रा मतलब दीर्घ की मात्रा को लेकर के ये कुछ थे बनने वाले शब्द। यदि मैं यहाँ पे एक लिख दूं, चीख कर भीख मांग, ठीक है, एक वाक्य मैंने लिखा है चीख कर भीख मांग, इसको देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे किन किन शब्दों में बड़ी की मात्रा लगी है। देखो चीख किसमें, ही जोर से आवाज, किसमें आए चीख, ची में आए, भीख भी में आए, तो इन दोनों में बड़ी की मात्रा लगी। इसी तरह तुम लोग घर से अब होमवर्क करके बना के मुझे दिखाओगे, अपने चारों तरफ आंखें दौड़ाओगे, दिमाग दौड़ाओगे अपने अगल बगल में जो भी है, और बड़ी की मात्रा जिसमें लग करके शब्द बने, ऐसे 20 से 25 शब्द बना करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, अगले दिन नए क्लास में और ऑनलाइन क्लास में हम लोग फिर सीखेंगे उ की मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा, ओके, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों को मैं तो दोस्ती मानता हूँ, तो थैंक यू।